में बहुत ही मतलब उम्मीद से ज्यादा, मैंने नहीं सोचा था कि रांची में इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। कुछ लोग हैं जो मुझे भी जानते हैं तो हम लोग मुझसे मिलने आ गए हैं। वर्बली सोचे हम लोग को आपको नहीं जानेंगे भैया, तो भाई तो आपको नहीं जाने तो व्लॉग सक्सेस कैसे हो गया जी? भैया मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने 20 साल पिछले हुए बेटे को भी मिलाया था। अच्छा नहीं बोल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीना व्लॉग में। ये कुंदन जी है और इनका कुंदन जी डीप कुंदन डीप कंफ्यूजन हर किसी को हो जाता है जी और डी में। हम आपको कभी देखे नहीं है, देख रहा है। और अभी हम मिले हैं कुंदन भैया से, काफी अच्छा इनका ब्लॉग आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो आज जैसा कि सबको पता है कि आज मनोज भाई का मीटअप है रांची में, रांची का मोराबादी में ऑक्सीजन पार्क में। तो अभी हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं, अभी हम लोग जस्ट कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से। और मनोज भाई वहाँ पे हैं और मनोज भाई का दोस्त वहाँ पे, हम लोग सब रात में यहीं पे स्टे किए थे। एक और होटल का देख लो कैसा, ज़्यादा नहीं छोटा मोटा रूम हम लोग ले लिए थे कल शाम में ही। और अभी हम लोग कुछ देर में तुरंत निकलेंगे मीटअप के लिए, और मीटअप ऑक्सीजन पार्क में हो रहा हो तो आप लोगों को पता ही है। तो देखते हैं और कितने लोग आते हैं वहाँ पे। हम लोग तीनों लोग साथ में ही जाएंगे, स्कूटी में जाएंगे अभी। तो अभी हम लोग रुके थे रांची का मेन रोड में, और यहाँ से ऑक्सीजन पार्क लगभग 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर अभी हम लोग ड्राइव करना है। तो चलिए मिलते हैं ऑक्सीजन पार्क में आप सबसे, और देखते हैं कौन कौन आते हैं, कितना भीड़ आता है। बहुत मजा आने वाला है, क्रेजी मीटअप होने वाले। हाँ मीटअप बहुत अच्छा होने वाला है मनोज भाई का ऐसा कहना है, बस ये देखना है कितने लोग आते हैं वहाँ पे। तो फिर चलिए मिलते हैं वहीं पे। तो ये रहा हमारा स्कूटी, और अभी यहाँ से हम लोग जस्ट तुरंत निकलेंगे और नाश्ता वगैरह भी करना है। लेकिन नाश्ता तो अभी हम लोग लेट हो रहा है तो नाश्ता बाद में करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, चलिए अब चलते हैं वहाँ पर। चाय का मजा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह चाय बहुत जरूरी होता है ना मनोज जी? बिल्कुल, हाँ तो बहुत मजा आ रहा है। अभी चाय का मजा ले रहे हैं हम लोग, चाय पी करके अभी एकदम ये वाला जो मिट्टी का प्याली में मिलता है ना, ये चाय का कुछ अलग ही मजा। इसका अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही मजा आता है। तो अभी हम लोग चाय पी करके डायरेक्ट मीटअप में निकलेंगे, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता, चलिए अब वहाँ पे मिलते हैं। चले बैठिए, पचंकी में ऊपर नासिक है, पचंकी मार हो जाएगा वहाँ पे। आरके मोटर ब्लॉग साहब, हम अगर कमेंट पढ़े नहीं थे, कमेंट आते रहता है, कोई बात नहीं हम देख लेंगे। इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा ना तो हम रिप्लाई देंगे, सबका रिप्लाई करते हैं, सबका रिप्लाई एक मिनट में देंगे। वैसे ये जो है प्रकाश कुमार है, इसका 170,000 भाई लोग देख लो, जितने भी सभी यूट्यूबर हैं हर कोई किसी ना किसी का सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। तो आप लोग भी सभी को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट करने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, मतलब आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जरूर किसी ना किसी का फायदा जरूर हो जाएगा। तो सपोर्ट सभी का कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट हम लोग आगे किसी का नहीं बढ़ सकते। ठीक है भैया, तो चलिए आगे चलते हैं। मनोज भाई का मीटअप में तो पहुँच गए हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे भी जानते हैं तो हम लोग मुझसे मिलने आ गए हैं। वर्बली सोचे कि मिल लेते हैं, वैसे ब्लॉग बनाने के जो है ना हम लोग को आपको नहीं जानेंगे भैया, भाई तो आपको नहीं जानेंगे तो ब्लॉग सक्सेस कैसे हो गया जी? नहीं नहीं ऐसा नहीं, रांची का बेस्ट ब्लॉग है एकदम। और ये एक ब्लॉग कुछ दिन पहले मेरे घर आए थे खेलवा मिलने के लिए। तो सभी लोग हैं यहाँ पे, सभी भाई लोग ही हैं, और अभी हम लोग और भी आगे चलेंगे। मनोज भाई का वहाँ पे मीटअप चल रहा है जो है, और एक भाई विपुल हब जो बहुत टाइम से मुझसे मिलना कोशिश कर रहे थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मिल नहीं पा रहे थे। तो भाई को भी सपोर्ट करना, क्या नाम है चैनल का? विपुल सिन्हा। विपुल सिन्हा चैनल का नाम है, चैनल का नाम विपुल सिन्हा है, पहले विपुल हब था मुझे पता है। ऑलराइट, तो अच्छा सर कोई बात नहीं। क्राउड आए हुए बहुत ही मतलब उम्मीद से ज़्यादा, मैंने नहीं सोचा था कि रांची में इतने सारे सब्सक्राइबर्स होंगे। फर्स्ट ब्लॉग में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला यार तब तुमको। कौन है ना भैया ये? अब मेरे बगल में कुंदन डी ब्लॉगर है जो कि रांची का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। भैया मेरे सामने, तो भाई को सपोर्ट करना, डबल पी ब्लॉग है, भाई को तुम सपोर्ट।
सपोर्ट करो, किसी को किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। मैं तो भाई का फुल सपोर्ट करूंगा और आगे भी करता रहूंगा, तो आप लोग भी चुको मत, एकदम सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। तो ये समीर जो कि बहुत टाइम से मुझे मिलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार गया भी था इसके एरिया में लेकिन मिल नहीं पाया था, मैं जल्दी में था। तो चैनल का नाम बताओ। मेरा चैनल का नाम है एलेक्स एक्समार्टी, थोड़ा अजीब सा है लेकिन चलेगा। कोई बात नहीं। तो भैया जो है सबसे बड़े छोड़िए सबसे अच्छे यूट्यूबर हैं, सबसे अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे अच्छा, सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग। ये भाई भी आए हैं, बताइए। मेरे चैनल का नाम ब्लॉगर पीके है और मैं रेगुलर फैन हूँ इनका, और मतलब कि रांची के तो अभी सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। अरे नहीं बड़ा बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सब्सक्राइबर है। और अब चलो सर मेरे बारे में बोल दीजिए कि भाई फोटो खींचिए, तो ये ऐसा करके भी खींचना। हाँ कपिल का फैन प्रेम जो कि 7 साल से बहुत कोशिश कर रहे थे कपिल से मिलने का, और फाइनली मिल के आए ना। सोशल सर्विस भी करते हैं, सोशल सर्विस ही करते हैं बोल के कपिल शर्मा। अच्छा, उससे मिले भी थे और स्टेज में जाकर मिले थे और कपिल शर्मा के साथ सेल्फी वगैरह सब कुछ लिए हैं, तो भाई को भी सपोर्ट करना। चैनल का नाम कपिल का फैन प्रेम, कपिल का फैन प्रेम चैनल का नाम। भैया मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब के माध्यम से मैंने 20 साल पिछले हुए बेटे को भी मिलाया था। अच्छा अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा, ग्रेट यार, ग्रेट जॉब। कहाँ का मतलब किस जगह? ये हमारे सिमडेगा जिले के ही मतलब एक लड़का था जो 20 साल से मुंबई में चला गया था बचपन में ही, जिसको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने खोज के निकाला था, और जिसमें हमारे सिमडेगा के DC से श्री जटाशंकर चौधरी जी ने मुझे बहुत ही मदद की थी। तो आप उन्हें भी तब तो यार ये समझो कि छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। जब बिछड़े लोगों को जो मिला रहा है वही सेलिब्रिटी, असलियत का सेलिब्रिटी होता है। तो भाई का चैनल पर विजिट जरूर करना है ना। भैया बीच में किसी का कॉल आ गया। ओके गाइस, तो ये मैम जो कि बहुत पहले से मुझसे मिलने का भी कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मिल नहीं पा रहे थे, है ना। आप अपना बताइए। मेरा नाम वीना देवांगन है और मैं हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ब्लॉग बनाती हूँ और चैनल पे अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ जिससे आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। और रांची की कुछ जगह पे मैं ब्लॉग बनाती हूँ और ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी जाऊँगी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगी। तो ब्लॉग बहुत अच्छा है मैम का, एक बार आप जरूर विजिट, और जो मोटे पतले जो भी है इनसे हेल्थ टिप्स लेना चाहते हैं एकदम कमेंट करके। बोलो, नाम क्या हुआ? संदीप कुमार और चैनल का नाम है, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप कुमार और मेरा चैनल का नाम है टेक लवर एस्के फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स उसमें जो है आप लोगों को अनबॉक्सिंग रिलेटेड न्यूज़ का और अपडेट, और साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है व्हाट्सएप फेसबुक ये सबको जो है हैकिंग से कैसे प्रोटेक्ट करें इसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार है। चैनल का नाम? मेरा चैनल का नाम AK हैक्स हो गया। और सिंपली ऐसे कुछ सालों तक मैं बिना मुंडी का अपना वीडियो बना रहा था, तो कल ही अभी फेस रिवील किया है यार, और आज कुंदन भाई से मिलने का मुझे मौका मिल गया। चलो यार बहुत तो बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। गाइस तो देख सकते हैं मीटअप चल रहा है और अभी हम मिले हैं कुंदन भैया से, तो काफ़ी अच्छा इनका ब्लॉग आ रहा है और रांची के लगभग इनका 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा ब्लॉग डालते हैं मोटो ब्लॉगिंग कुछ करके। एक बार मैं आप लोगों को इनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो मेरा नाम है कुंदन वर्मा, मैं रांची का एक छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ, बड़ा तो नहीं बोलेंगे, छोटा ही मोटा ब्लॉगर हूँ, और आप लोगों के सपोर्ट से इतना तो पहुँचा हूँ, तो आज भाई से ही मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम आपसे खुश हैं। तो एक और भाई हैं उनसे मिलते हैं, क्या नाम है आपका? प्रियांशु देव सिंह। चैनल का नाम क्या है? प्रियांशु देव सिंह ही है। चैनल का नाम है प्रियांशु देव सिंह ब्लॉग का चैनल है ना? नहीं, ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है और आप एक बार जरूर जाएं और विजिट करें, अगर चैनल के वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। भाई स्टूडेंट अगर हो तो जरूर इसके चैनल पे जाना, सर्च करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स। अभी फिलहाल 44 ही के सब्सक्राइबर हैं लेकिन आपके सपोर्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। थैंक यू भाई। तो गाइस मीटअप अभी ख़त्म होने पे है और हम लोग अभी घर भी जाने वाले हैं, तो बहुत सारे भाई लोग तो चले गए हैं और कुछ कुछ भाई लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं सबसे मिलवा चुका हूँ आपको। और YouTube लाइन में तो भाई मैं अकेले ही आया था, इस लाइन में हर कोई अकेले ही आता है, लेकिन आज देखो कितने सारे लोग हैं मेरे साथ। तो आज इस सभी भाई लोग से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा इन लोग से रिलेशन, एक तरह का ब्रदर वाला बॉन्डिंग हो चुका है, और फिर इसी तरह हम लोग हर कोई मिलते रहेंगे। तो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। फिर चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।